दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल जंक्शन के लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप कोई फोन खरीदने वाले हो या फिर प्लान कर रहे हो कोई फोन खरीदने की तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्केट के अलग अलग प्राइस रेंज के बेस्ट फोन्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं उन फोन्स के बारे में जो कि आपको आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वैसे फोन से जिनकी प्राइस रेंज है 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक, क्योंकि 5,000 रुपए से नीचे आपको एंड्रॉइड फोन्स में ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। और इस प्राइस रेंज में जो पहला फोन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है रेडमी का 6A और इसकी मार्केट प्राइस है 5,999 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 5.5 इंच का HD डिस्प्ले जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे। इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो A22 प्रोसेसर जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz की। दोस्तों इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, पहला है 2 GB रैम और 16 GB ROM और दूसरा है 3 GB रैम और 32 GB ROM। इसकी मेमोरी को आप एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट के मदद से। दोस्तों अभी जो स्मार्टफोन आप खरीदते हो उसमें आपको दो तरीके के सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं, पहला है डेडिकेटेड और दूसरा है हाइब्रिड। डेडिकेटेड के केस में आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो, लेकिन हाइब्रिड के केस में या तो आप 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो साथ में, या फिर आप 2 सिम कार्ड यूज कर सकते हो। मतलब हाइब्रिड के केस में आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड साथ में यूज नहीं कर सकते। तो इस फोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। अब इसके अगर कैमरा ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 13 MP का बैक कैमरा जो कि f2.2 एपर्चर वाला, और इसमें सेल्फी के लिए आपको मिलता है 5 MP का कैमरा f2.2 एपर्चर वाला, और इसमें पावर के लिए 3000 mAh की बैटरी। दोस्तों इस प्राइस में जो अगला फोन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है Redmi 6 और इसकी मार्केट प्राइस है 7,999 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 5.5 इंच का HD+ डिस्प्ले जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P22 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz की। दोस्तों इसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, पहला है 3 GB रैम और 32 GB ROM और दूसरा है 4 GB रैम और 64 GB ROM, और इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के मदद से। दोस्तों अगर इसके कैमरा ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि Redmi 6 को बनाता है इंडिया का सबसे सस्ता डुअल सेटअप वाला कैमरा। इसमें आपको 12+5 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और सामने की ओर इसमें आपको मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा जो कि है 2.2 एपर्चर वाला, और इसमें भी पावर के लिए 3000 mAh की बैटरी। दोस्तों इस प्राइस रेंज में जो अगला और लास्ट फोन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है ओप्पो का Realme 2। यह भी लॉन्च हुआ है और इसकी मार्केट प्राइस है 8,990 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz की। दोस्तों इस फोन में जो आपको बेसिक हाईलाइट मिलेगा वो है इसका डिस्प्ले। इस फोन में आपको मिलता है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले, मतलब इस फोन में आपको नॉच सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि ओप्पो के Realme 2 को बनाता है इंडिया का सबसे सस्ता नॉच डिस्प्ले वाला फोन। दोस्तों अगर इसके मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, पहला है 3 GB रैम और 32 GB ROM और दूसरा है 4 GB रैम और 64 GB ROM। 3 GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है 8,990 रुपए और जो 4 GB रैम वाली वेरिएंट है उसकी प्राइस है 9,990 रुपए। अगर इसमें कैमरा ऑप्शन की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 13+2 MP का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें कि 13 MP वाले सेंसर की अपर्चर f2.2 और 2 MP वाले डेप्थ सेंसर की अपर्चर f2.4, और सामने की ओर इसमें मिलेगा आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा जो कि f2.0 अपर्चर वाला। दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है 4230 mAh मतलब 4230 mAh की बैटरी जो कि बहुत ही पावरफुल है। दोस्तों ये थे कुछ फोन जिनकी प्राइस रेंज थी 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक। अगर आपको नॉर्मल एक बेसिक एंड्रॉइड फोन चाहिए जिसमें आपको नॉर्मल प्रोसेसर नॉर्मल कैमरा देखने को मिलता है तो आप खरीद सकते हो Redmi के 6A को। अगर आपको चाहिए वैसा फोन जिसकी प्रोसेसर थोड़ी बहुत अच्छी है उसमें आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिले लेकिन आपको फोन सस्ता चाहिए तो फिर आप Redmi 6 खरीद सकते हो। अगर आपको चाहिए एक वैसा फोन जिसकी बैटरी और जिसका डिस्प्ले आपको नॉच वाला चाहिए फिर आप ओप्पो के Realme 2 को अप्रोच कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं वैसे फोन्स की जिनकी प्राइस रेंज है 10,000 रुपए से ऊपर, और इस प्राइस रेंज में जो पहला फोन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वह Redmi का 6 Pro जो कि हाल ही में अभी लॉन्च हुआ और इसकी मार्केट प्राइस है 10,999 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले जो कि रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे, और इसमें आपको मिलता है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मतलब कि नॉच सपोर्ट वाला एक और एंड्रॉइड फोन। और इसके अगर प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का 625 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz की। दोस्तों ये फोन आपको दो वेरिएंट्स में मिलेंगे, पहला है 3 GB रैम और 32 GB ROM और दूसरा है 4 GB रैम और 64 GB ROM। तो 3 GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है
10,999 रुपए और 4 GB रैम वाले वेरियंट की प्राइस है 12,999 रुपए और इसकी मेमोरी को आप एक्सपेंड कर सकते हो एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट की मदद से 256 GB तक। इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो है 12+5 MP का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें कि 12 MP वाले सेंसर के अपर्चर F2.2 और जो 5 MP वाला डेप्थ सेंसर है उसकी अपर्चर है F2.4। दोस्तों इसमें आपको सामने की ओर मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा F2.2 अपर्चर वाला और जो इसमें आपको बैटरी मिलेगी वो है 4000 mAh की जो कि एक पावरफुल बैटरी है। दोस्तों अगला फोन है नोकिया का 6.1 प्लस और ये हाल ही में लॉन्च हुआ और इसकी मार्केट प्राइस है 15,999 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 5.8 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और ये रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओडियो पे। इसमें जो आपको एंड्रॉइड मिलता है उसकी मजेदार बात ये है ये बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड है, मतलब MI UI या फिर कलर OS फंटच OS ऐसे किसी भी कस्टम रोम को आप इसके एंड्रॉइड के ऊपर कोई भी स्किन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो भी एंड्रॉइड 8.1 यूज हुआ है वो बिल्कुल ही स्टॉक एंड्रॉइड है जो कि गूगल रिलीज करता है और क्योंकि ये स्मार्टफोन बेस्ट है एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पे इसीलिए बाकी स्मार्टफोन से पहले आपको इसमें एंड्रॉइड के अपडेट्स ही देखने को मिलेंगे। अब इसके अगर प्रोसेसर की बात कर लो तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 1.8 GHz की। दोस्तों इसमें जो आपको मेमोरी वेरिएंट मिलेगा वो सिर्फ एक है, वो है 4 GB रैम और 64 GB रोम, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी मेमोरी को आप एक्सपेंड कर सकते हो 400 GB तक, लेकिन इसमें आपको डेडिकेटेड नहीं हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, मतलब आप 2 SIM कार्ड या फिर 1 SIM कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ यूज कर पाओगे। दोस्तों अगर इसके कैमरा ऑप्शंस की बात करो तो इसमें आपको मिलता है 16+5 MP का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जिसमें कि 16 MP वाले सेंसर की अपर्चर F2.2 और जो 5 MP वाला डेप्थ सेंसर है उसकी अपर्चर है F2.4 और इसमें सामने की ओर सेल्फी के लिए 16 MP का कैमरा जो कि F2.2 अपर्चर वाला। दोस्तों और इसमें जो आपको बैटरी मिलती है वो है 3060 mAh की। दोस्तों इसी प्राइस रेंज में जो लास्ट फोन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं वो है MI का A2 और इसकी मार्केट प्राइस है 16,999 रुपए। इस फोन में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले और ये रन करता है एंड्रॉइड 8.1 ओडियो पे और इसमें भी जो आपको एंड्रॉइड मिलेगा वो स्टॉक एंड्रॉइड होगा, मतलब MI का फोन होते हुए भी इसमें आपको MI UI का कोई भी कस्टम रोम या फिर कोई भी स्किन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस्ट है एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पे और इसी कारण से इस फोन में आपको एंड्रॉइड के अपडेट्स बाकी दूसरे फोन से ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर और इसकी क्लॉक स्पीड है 2 GHz की। दोस्तों इसमें जो आपको मेमोरी वेरिएंट मिलेंगे वो दो होंगे, पहला वेरिएंट है 4 GB रैम और 64 GB रोम और दूसरा वेरिएंट है 6 GB रैम और 128 GB रोम, लेकिन दुख की बात यह है कि MI A2 में आप अपने मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसमें आपको कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट प्रोवाइड नहीं किया गया है। अब इसके अगर कैमरा ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 12+20 MP का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप जो कि F1.8 अपर्चर वाला और इसमें सामने की ओर सेल्फी के लिए आपके लिए 20 MP का कैमरा और इसकी अपर्चर है F2.0। दोस्तों इसमें जो आपको बैटरी मिलता है वो बैटरी है 3000 mAh की। दोस्तों ये थे इस प्राइस रेंज में कुछ अच्छे फोन जो कि आपको आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको चाहिए एक बेसिक एंड्रॉइड फोन जिसमें आपको नॉइस सपोर्ट मिले, थोड़ा बहुत अच्छा कैमरा मिल जाए और आपको अच्छी बैटरी लाइफ भी चाहिए तो फिर आप Redmi 6 Pro को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कोई अच्छा एंड्रॉइड फोन जिसमें कि आप स्टॉक एंड्रॉइड का मजा ले पाओ या फिर आप उसकी मेमोरी को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर सको तो उसके लिए आप नोकिया के 6.1 प्लस को कंसिडर कर सकते हो और अगर आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा कैमरा वाला फोन तो आप सजेस्ट कर सकते हो या फिर परचेज कर सकते हो MI के A2 को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो, फिर मेरे चैनल रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूँ।